आर जे ही करो जो तुम मन भाई। राम ने कहा खैर तुम्हारी जैसी इच्छा है तो। अरे जो ही करो जो तुम मन भाई। जे ही राघवेंद्र ने गिरा सुनाई। राम ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन बात एक है, पैरों की बात है, वो आप जाकर के लक्ष्मण और सीता जी से बूझ लो, उसके बाद पैर धो लो। जब ये संकेत कहा है, जब उन्होंने मना कर दिया लक्ष्मण और सीता जी ने, तो प्रभु राम ने कहा खैर कोई बात नहीं, तुम पैर बगैर धोए जब चढ़ने नहीं दोगे तो पानी लेकर के आओ, पैर धो। तो केवट उसी समय पानी लेकर के आया, किसमें? कठौता में। कठौता में क्यों लेके आया? कि अगर कठौता से अगर लड़का बनेगा हो तो कोई बात ना आए, अगर कठौती में लेके आओ तो कठौती से अगर लड़की बन जाती तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो उसी समय कठौता में पानी लेकर के केवट आया। तो राघव ते खड़े कठौते में गंगा गंगा का जल डाला। कठौते में गंगा गंगा का जल डाला। वही एक एक पग धोता है मानो सृतकारी शर्त हेत। प्रभु राम के केवट ने पैर धोए, उसके बाद में सब परिवार जनों को बुला करके चरणामृत लिया और प्रभु राम अर्धांगिनी सीता लक्ष्मण भ्राता के साथ में जब अब नाव पर बैठार करके अब केवट चल देता है। केवट के दिल में बहुत खुशी, केवट चला है नाव के लिए लेकर के आगे बढ़ा है। मेरी नैया में बैठे श्री राम, मेरी नैया में बैठे श्री राम, हो गंगा मैया धीरे बहा। केवट बहुत खुश दिल में, हो मेरी नैया में बैठे श्री राम, अरे गंगा मैया धीरे चलो। धीरे चला मेरी माता, अरे धीरे चलो रे मेरी माता, गंगा मैया धीरे चलो। के बटन बता लेके चल रहो, बटन नवका लेके चल रहो, अब गंगा दर्शन पाए। उमड़ रही है गंगा चरण इस व्रत करने के लिए श्री रामचंद्र जी के। अरे गंगा दिल खुशभा, ओ गंगा मैया धीरे चलो। मेरी माँ धीरे चलो रे मेरी माता, गंगा मैया धीरे चलो।
में बैठे श्री राम, मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे चलो। उसी समय गंगा से जब पार किया प्रभु राम को, लेकिन श्री राम सोचने लगे अब हम केवट को उतराई में क्या दे, हम पे तो यहाँ कुछ है नहीं। उसी समय सीता पिया मना जाना तियर मेरे भैया, राम के हृदय की बात जानने वाली सीता जी, अरे पिया मन सीता जानी गई अरे मेरे दादा, अरे उंगली से मोने लई ओ तारी। राम लखन से कह रही अरे जगदम्बा, सीता जी जा मुनिका दियो नगा, अपने प्रभु से कह रही अरे सीता जा मुदी को दियो नगाई। और उसी समय गंगा को पार करने के बाद में पंचवटी पे जब प्रभु राम शेषावतारी लक्ष्मण सीता के साथ में कुटिया बना करके रहने लगे, और इससे आगे की कथा अब आगे दो भाग में सुनेंगे। संजीत कुमार के भसरा लेके झनकार यहाँ रे रहे दरसा, हमारे साथ में बैठे हुए हमारे शिष्य उमेश कुमार जो गाड़ी संग चलाए रहे, अरे रमेश ड्राइवर मेरे, और साथ में साथी बैठे हैं रंजीत ये फसरा ले हैं। सीता को रघुवर अब ही पंचवटी पे रह रहे,